मूवी की शुरुआत में हम साइबरट्रॉन ग्रह को देखते हैं, जहां पर ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच एक खतरनाक युद्ध चल रहा होता है। दरअसल जो डिसेप्टिकॉन्स होते हैं वो बुरे जायंट रोबोट थे, जो कि पूरे ब्रह्मांड पे अपना कब्जा करना चाहते हैं, और वहीं ऑटोबॉट्स अच्छे रोबोट होते हैं जो दुनिया को बचाना चाहते हैं। अब उनके बीच चल रहे युद्ध में एक ऐसा समय आता है जब ऑटोबॉट्स हारने लगते हैं, और उन्हें हारता देख उनका लीडर, जिसका नाम ऑप्टिमस प्राइम होता है, वो अपने एक खास सिपाही जिसका नाम B-127 होता है, उसे वहां से निकल जाने को कहता है, लेकिन B-127 वहां से जाने से मना कर देता है। इस पर ऑप्टिमस प्राइम उसे समझाता है कि फिलहाल वो हार रहे हैं, और अगर उन्हें अपनी सभ्यता को बचाए रखना है तो उन्हें एक नए बेस की जरूरत होगी, ताकि वो सभी ऑटोबॉट्स को एक जगह इकट्ठा कर सके और पूरी ताकत से डिसेप्टिकॉन्स पे फिर से हमला कर सके। ऑप्टिमस प्राइम उसे कहता है कि उसे एक नया ग्रह मिला है जिसका नाम अर्थ है, और डिसेप्टिकॉन्स को इस नए ग्रह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो B-127 को अर्थ पे जाने को कहता है और उनके आने तक उसे उस ग्रह की हिफाजत करने को कहता है। ऑप्टिमस प्राइम की बातें सुनकर B-127 वहां से अर्थ की तरफ निकल जाता है। और अगले सीन में हम कर्नल बर्न्स को देखते हैं, जो एक अमेरिकन सोल्जर होता है, और वो अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था कि तभी वहां पर B-127 की क्रैश लैंडिंग होती है, और उसकी वजह से उसके आर्मी के कुछ जवान घायल हो जाते हैं, और कर्नल बर्न्स B-127 को अपना दुश्मन समझकर उस पर हमला करने का आदेश दे देता है, और अगले ही पल सारे सोल्जर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब आर्मी के ऑफिसर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो B-127 को मारते, वहां पर एक डिसेप्टिकॉन आ जाता है, और वो आते ही इन सब पर हमला करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो डिसेप्टिकॉन और B-127 के बीच वहां एक खतरनाक युद्ध होता है, लेकिन B-127 उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि वो डिसेप्टिकॉन्स बहुत ताकतवर था। वो डिसेप्टिकॉन उससे उसके बाकी के साथियों का पता पूछ रहा था, लेकिन B-127 के ना बताने पर वो उसके वोकल बॉक्स को डैमेज कर देता है, जिससे उसकी बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो डिसेप्टिकॉन उसे जान से मारता, B-127 किसी तरह से उसी के रॉकेट से उस पर हमला कर देता है, और उस हमले में वो डिसेप्टिकॉन मारा जाता है। लेकिन इस लड़ाई में B-127 भी बुरी तरह से घायल हो गया था, और उसकी कोर मेमोरी भी डैमेज हो रही थी। तभी उसे वहाँ एक येलो कलर की बीटल कार दिखाई देती है, और वो जल्दी से अपने आप को उसी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अगले सीन में हम चार्ली को देखते हैं, जो सोकर उठती है, और जब वो फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि उसके फादर उसकी मॉम के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ये देखकर चार्ली उससे कहती है कि थोड़ा सुधर जाओ। दरअसल ये उसके स्टेप फादर होते हैं, क्योंकि चार्ली के रियल डैड की मौत सालों पहले दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी, और वो अपने इस नए डैड को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अब अगले दिन चार्ली का बर्थडे होता है, इसलिए वो अपने मॉम से कुछ पैसों की मांग करती है, जिससे वो अपने डैड की उस कार को ठीक कर सके, जो उनकी इकलौती निशानी उसके पास थी। लेकिन उसकी मॉम उसे पैसे देने से मना कर देती है, क्योंकि उनकी आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थे। इसके बाद चार्ली अपने जॉब पर चली जाती है। वो एक होटल में वेटर का काम करती थी, जहां पर कुछ लड़कियां हमेशा उसके इस काम का मजाक उड़ाती थी, लेकिन चार्ली कभी उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। शाम को काम खत्म करके चार्ली अंकल हेंज के गैराज में आती है, जहां वो गाड़ियों के पार्ट्स आधे दाम पर खरीदती थी। लेकिन आज जब वो कबाड़ा गाड़ियों से अपनी ज़रूरत के पार्ट्स निकाल रही होती है, कि तभी उसकी नज़र एक पीले कलर की खूबसूरत बीटल कार पर पड़ती है, जो उसे बहुत पसंद आती है। लेकिन ये गाड़ी कोई और नहीं बल्कि B-127 ही होता है, जो उस दिन के बाद से यहीं पर छुपा था, क्योंकि उसकी मेमोरी डैमेज हो चुकी थी। और जब चार्ली उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, तभी उसमें से एक सिग्नल निकलता है, जो सनी ग्रह पे ऑटोबॉट्स को ढूंढ रहे दो डिसेप्टिकॉन्स को मिलता है, और उन्हें B-127 के लोकेशन का पता चल जाता है, और वो वहाँ के एक ऑटोबॉट्स को मारकर B-127 को मारने के लिए पृथ्वी की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम चार्ली को देखते हैं, जिसका आज बर्थडे होता है, और बर्थडे गिफ्ट के नाम पर उसकी मॉम उसे एक हेलमेट देती है, और उसके डैड उसे एक किताब गिफ्ट करते हैं। ये सब देखकर चार्ली पूरी तरह से निराश हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके पेरेंट उसके बर्थडे पर कुछ अच्छा गिफ्ट देंगे। और गुस्से में चार्ली अपने घर से निकल जाती है। वो सीधे अंकल हेंज के गैराज में पहुंचती है, जहां वो उनसे उस पीली कार की मांग करती है, और बदले में वो उनके गैराज पे एक साल तक काम करने और उनके गंदे टॉयलेट को साफ करने का ऑफर भी देती है। लेकिन अंकल हेंज दिल के अच्छे इंसान होते हैं, इसलिए चार्ली को वो बीटल कार फ्री में ही दे देते हैं। ये देखकर चार्ली बहुत खुश होती है, और वो उस कार को लेकर अपने घर पे आ जाती है। घर पे जब चार्ली उस कार को रिपेयर करने की कोशिश कर रही होती है, कि तभी उसे B-127 का चेहरा नजर आता है, और देखते ही देखते उसके सामने B-127 अपने असली रूप में आ जाता है। चार्ली अपने सामने एक बड़े से रोबोट को देखकर पूरी तरह से डर जाती है, पर B-127 भी अपने सामने एक इंसान को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई होती है, और वो एक कोने में डर के बैठ जाता है।
जब चार्ली उसे डरते हुए देखती है तो वह समझ जाती है कि उसे इस रोबोट से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन B-127 के वोकल बॉक्स के खराब होने के कारण वो बात नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन फिर भी चार्ली किसी तरह से उसकी बातों को इशारे में समझने की कोशिश करती है और कुछ ही समय में वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद चार्ली उसका नाम बम्बल भी रखती है क्योंकि उसकी आवाज़ और उसका कलर एक बम्बल भी की तरह लगता है। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। अभी ये दोनों आपस में बहस ही कर रहे थे कि तभी दो डिसेप्टिकॉन्स वहाँ पर आ जाते हैं और देखते ही देखते वो उस लेडी के हस्बैंड को मार डालते हैं और उसके बाद वो B-127 की तलाश में निकल जाते हैं। उधर कर्नल जैक बर्न्स को भी पता चल जाता है कि दो एलियन पृथ्वी पर आए हैं और वो सैटेलाइट की मदद से उन दोनों डिसेप्टिकॉन्स का पता लगाता है और वो अपनी सेना को लेकर उनका पीछा कर उन्हें अपने रास्ते में ही रोक लेता है। वो उन दोनों डिसेप्टिकॉन्स से पृथ्वी पर आने का वजह पूछता है। इस पर वो दोनों B-127 की फ़ोटो दिखाकर कहते हैं कि ये उनके ग्रह का एक कैदी है जो भागकर पृथ्वी पर आ गया है और वो उसी को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। वो डिसेप्टिकॉन कर्नल से भी उसे ढूंढने में उनकी मदद करने को कहते हैं क्योंकि वो पूरी पृथ्वी के लिए भी खतरा बन सकता है। वो दोनों उनसे उनके सैटेलाइट को यूज करने देने को कहते हैं ताकि वो जल्दी से उसे ढूंढ सके, लेकिन कर्नल उनकी बातों को मानने से इनकार कर देता है और उन्हें पृथ्वी से जाने को कहता है। लेकिन कर्नल के बगल में खड़ा एक सीनियर साइंटिस्ट जिसका नाम पॉवेल होता है वो कर्नल को रोकता है और वो दोनों डिसेप्टिकॉन से कहता है कि ठीक है, पर पहले उसे अपने ऑफिसर से बात करना होगा। दरअसल पॉवेल का मानना होता है कि एलियन के साथ टेक्नोलॉजी का शेयर करने से उन्हें काफ़ी जानकारी मिल सकती है। इसके बाद पॉवेल किसी तरह अपने सारे सीनियर ऑफिसर को मनाने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों डिसेप्टिकॉन्स को पूरे सैटेलाइट का एक्सेस दे देता है। इधर चार्ली भी अब लगातार बम्बलबी को रिपेयर और उसे इंसानों से छुपाने के तरीके सिखा रही होती है और एक दिन जब वो बम्बलबी के वोकल बॉक्स को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ एक होलोग्राम मैसेज पॉपअप होता है जिसमें ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी को पृथ्वी पर छुपे रहने की बात कर रहा था। ये मैसेज देखकर बम्बलबी को सारी बातें याद आना शुरू हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली बम्बलबी के वोकल बॉक्स की जगह एक रेडियो फिक्स कर रही होती है। लेकिन जब वो ऐसा कर रही होती है कि तभी वहाँ उसका दोस्त मेमो आ जाता है जो चार्ली को कहीं ना कहीं पसंद करता था, लेकिन वो बम्बलबी को देखकर डर जाता है। चार्ली किसी तरह उसे समझाती है और उसे बताती है कि बम्बलबी एक अच्छा एलियन है और वो इसके बारे में किसी को ना बताने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर मेमो मान जाता है। इसके बाद वो दोनों बम्बलबी के साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये दोनों खूब मस्ती करते हैं और मस्ती करते हुए ये दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक लड़का सभी को अपने साथ डीप जंप करने के लिए चैलेंज कर रहा था, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था। तभी बम्बलबी अपने गेट से चार्ली को धक्का देकर आगे कर देता है, जिससे सबको लगता है कि चार्ली इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है और वहाँ खड़े सभी लोग चार्ली के लिए शोर मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन चार्ली इस जंप के लिए मना कर देती है और वो वापस आकर अपनी कार में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जो चार्ली को वेटर का काम करते समय तंग किया करती थी। इसका नाम टीना होता है। वो यहाँ पर भी चार्ली की बहुत बेइज्जती करती है और इसकी गरीबी को लेकर उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है। इसके बाद मेमो और चार्ली मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो बम्बलबी को लेकर टीना के घर के बाहर पहुँचते हैं और वो बम्बलबी को अंडे और टॉयलेट पेपर टीना के घर के अंदर फेंकने को कहते हैं। लेकिन बम्बलबी ऐसा तो नहीं कर पाता है, लेकिन वो टीना की कार का कचूमर जरूर बना देता है। अब इससे पहले की कॉलोनी के लोग इन लोगों को देख ले, ये लोग बम्बलबी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक पुलिस वाला इनका पीछा करने लगता है क्योंकि ये लोग बहुत तेज स्पीड से जा रहे थे। लेकिन बम्बलबी अपनी पावर का इस्तेमाल करके पुलिस वाले को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और वो उनसे पीछा छुड़ाकर निकल जाते हैं। अब अगले दिन जब चार्ली अपने काम पर जा रही होती है तो वो बम्बलबी को साफ हिदायत देकर जाती है कि वो घर के अंदर ही रहे और जब तक वो वापस ना आ जाए वो कुछ ना करे। लेकिन चार्ली के ऑफिस जाते ही बम्बलबी कार से अपने असली रूप में आ जाता है और वो आसपास की चीज़ों को छूकर समझने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस दौरान अनजाने में ही वो घर की सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है और जब वो गलती से अपनी उंगली एक इलेक्ट्रिक स्विच में डालता है तो उसे एक जोर का बिजली का झटका लगता है और साथ ही पूरे शहर में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से आर्मी वालों को बम्बलबी का लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और इसके बाद दोनों डिसेप्टिकॉन्स और आर्मी के जवान बम्बलबी की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर जब मेमो चार्ली के घर में हो रही आवाज़ों को सुनता है तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और इसके बाद वो चार्ली को फ़ोन करके बुला लेता है और जब ये दोनों घर के अंदर आकर देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि बम्बलबी ने पूरे घर के सामान को तोड़ फोड़ दिया था। ये देखकर चार्ली बम्बलबी पर बहुत गुस्सा करती है और वो उसे घर से बाहर निकालकर मेमो के साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करने लगती है। अब जब ये लोग ऐसा कर ही रहे होते हैं कि तभी चार्ली की मॉम घर आ जाती है
और जब वो घर की ऐसी हालत को देखती है तो वो चार्ली को डांटने लगती है और इसी दौरान चार्ली और उसकी मॉम के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद चार्ली मेमो को लेकर बम्बलबी के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब जब ये लोग रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि तभी कर्नल बर्न्स अपने आर्मी ऑफिसर के साथ इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन जैसे ही एक ऑफिसर चार्ली को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, बम्बलबी गाड़ी से अपने असली रूप में आ जाता है और इससे पहले कि आर्मी ऑफिसर बम्बलबी को मारते, वो चार्ली को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब जब बम्बलबी चार्ली को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ दोनों डिसेप्टिकॉन्स भी आ जाते हैं। वो आते ही बम्बलबी पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। यहाँ पर बम्बलबी उन पर कोई अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई होती है, इसलिए वो बहुत आसानी से हार जाता है। इसके बाद आर्मी बम्बलबी पर इलेक्ट्रिक शॉक से हमला करके उसे कैद कर लेती है और वहीं पे चार्ली भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से बेहोश हो जाती है। यहाँ पर चार्ली कर्नल और अपने पेरेंट्स को यह बात समझाने की कोशिश करती है कि बम्बलबी एक अच्छा एलियन है, लेकिन कोई भी चार्ली की बात पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद चार्ली खुद रेडी होकर अपने छोटे भाई के साथ मेमो के घर आ जाती है, जहाँ पर टीवी पर न्यूज में इन्हें पता चलता है कि आर्मी ने बम्बलबी को कहाँ रखा है। और इसके बाद चार्ली मेमो के साथ बम्बलबी को बचाने के लिए निकल पड़ती है। उधर हम देखते हैं कि दोनों डिसेप्टिकॉन्स बम्बलबी को बांधकर उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं और उससे उसके लीडर ऑप्टिमस प्राइम के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन बम्बलबी उन्हें कुछ नहीं बता पा रहा था क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता है। बम्बलबी को चुप देखकर वह उसे बुरी तरह से मारते हैं और अब चार्ली भी मेमो के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और वो छुप कर इन्हें देख रहे होते हैं। इधर जब डिसेप्टिकॉन्स बम्बलबी को एक लात मारता है तो बम्बलबी के अंदर से एक होलोग्राम मैसेज बाहर निकलता है जिसमें ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी को बताता है कि तुम अर्थ पे जाओगे और कुछ समय बाद वो भी बाकी के ऑटोबोट्स के साथ वहाँ पर आ जाएगा और जब तक वो नहीं आता उसे पृथ्वी की डिसेप्टिकॉन से रक्षा करनी होगी। ये मैसेज देखकर बम्बलबी को सारी बातें याद आ जाती है। उधर जब डिसेप्टिकॉन्स को यह बात पता चलती है कि ऑप्टिमस प्राइम बाकी के ऑटोबोट्स के साथ पृथ्वी पर आने वाला है तो वो आपस में बात करते हैं कि उन सारे ऑटोबोट्स को मारने का यही सही मौका होगा। वो सारे ऑटोबोट्स और इंसानों को एक साथ ख़त्म करके पूरा मसला ही हल कर देंगे। लेकिन जब डॉक्टर पावेल डिसेप्टिकॉन्स की इन बातों को सुनता है तो वो समझ जाता है कि उन्होंने इनका साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद वो कर्नल बर्न्स को फ़ोन करता है और उससे बताता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात कर्नल को बताता, वो डिसेप्टिकॉन्स डॉक्टर पावेल को मार डालते हैं। इसके बाद दोनों डिसेप्टिकॉन अपने बाकी के साथी को बुलाने के लिए सिग्नल भेजने के लिए पास के बड़े टावर की तरफ निकल पड़ते हैं और उनके वहाँ से जाते ही चार्ली और मेमो बम्बलबी के पास आते हैं और वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बम्बलबी जमीन पर शांत पड़ा होता है। ये देखकर चार्ली बम्बलबी को इलेक्ट्रिक शॉक देती है और किसी तरह बहुत मुश्किल से बम्बलबी की जान बचा लेती है। बम्बलबी होश में तो आ जाता है लेकिन वो शांत बैठा होता है। चार्ली उसे उठने को कह रही होती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब तक कर्नल भी अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था और वो उस पूरी जगह को ही ब्लास्ट कर देता है ताकि वो सारे रोबोट्स को वहीं ख़त्म कर सके। लेकिन इस ब्लास्ट में चार्ली मेमो और बम्बलबी किसी तरह बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन अगले ही पल कर्नल चार्ली को गिरफ्तार कर लेता है और जब बम्बलबी उन्हें ऐसा करने से मना करता है तो आर्मी के जवान उस पर हमला कर देते हैं और उसे गाड़ियों से खींचने लगते हैं। लेकिन अब बम्बलबी की याददाश्त वापस आ चुकी थी इसलिए देखते ही देखते उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाता है और वो आर्मी ऑफिसर्स पर हमला करना शुरू कर देता है जिससे पूरे आर्मी ग्रुप में भगदड़ मच जाती है और कर्नल अपने जवानों को पीछे हटने को कहता है। लेकिन इससे पहले कि बम्बलबी और तबाही मचाता, चार्ली उसके सामने आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। इसके बाद चार्ली बम्बलबी के साथ उस जगह की तरफ निकल पड़ती है जहाँ पर डिसेप्टिकॉन्स अपने बाकी के साथियों को बुलाने के लिए मैसेज भेजने की तैयारी कर रहा होता है। रास्ते में उन्हें आर्मी के जवानों का सामना करना पड़ता है और साथ ही कर्नल भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और चार्ली के फैमिली मेंबर भी उसे बचाने के लिए रास्ते में ही होते हैं। लेकिन किसी तरह बहुत मुश्किल से वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दोनों डिसेप्टिकॉन एक बड़े से टावर पर सैटेलाइट की मदद से अपने साथियों को सिग्नल भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये देखकर बम्बलबी चार्ली को एक सेफ जगह बंद करके उन्हें रोकने के लिए निकल पड़ता है और वो उस टावर पर अटैक करना शुरू कर देता है। बम्बलबी को देखकर एक डिसेप्टिकॉन उस पर हमला कर देता है और इसके बाद उस डिसेप्टिकॉन और बम्बलबी के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। इस लड़ाई के दौरान एक मिसाइल उस कंटेनर पर लगती है जिसके अंदर चार्ली छुपी होती है, लेकिन वो इस हमले से बाल बाल बच जाती है। उधर एक डिसेप्टिकॉन सिग्नल भेजने की प्रक्रिया को पूरा कर रहा होता है कि तभी कर्नल बर्न्स हेलीकॉप्टर से उस पर हमला करने लगता है। उधर बम्बलबी उस डिसेप्टिकॉन से फाइट में हार रहा होता है, लेकिन जब वो डिसेप्टिकॉन हेलीकॉप्टर बनकर बम्बलबी पर मिसाइल से अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी बम्बलबी एक मोटी सी चेन फेंककर उसके पंखों में फंसा देता है
जिससे वो पूरी तरह से उस चेन में जकड़ जाता है और बम्बल भी उस चेन को तेजी से खींचकर उसे वहीं खत्म कर देता है। उधर कर्नल एक डिसेप्टिकॉन से अब भी लड़ रहा होता है, लेकिन वो डिसेप्टिकॉन कर्नल की हेलीकॉप्टर पर मिसाइल से हमला कर देता है जिससे कर्नल का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि इस क्रैश में कर्नल की जान जाती, बम्बल भी उसे सही सलामत बाहर निकाल लेता है। और यहीं पे कर्नल को भी पता चल जाता है कि बम्बल भी एक अच्छा एलियन है। उधर मौका पाकर चार्ली उस डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देती है जिससे डिसेप्टिकॉन सिग्नल भेज रहे होते हैं। वो डिसेप्टिकॉन बम्बल भी को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। वो उसे पूरी तरह से खत्म करने ही वाला था कि तभी बम्बल भी वहाँ की एक दीवार पर अटैक करके उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारा पानी और एक बड़ी सी शिप बम्बल भी और उस डिसेप्टिकॉन से टकराती है। इस टकराव से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे वो डिसेप्टिकॉन मारा जाता है और बम्बल भी बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहीं पानी के नीचे डूब जाता है। ये देखकर चार्ली भी पानी के अंदर कूद जाती है और किसी तरह बड़ी मुश्किल से बम्बल भी को होश में लाने में कामयाब हो जाती है और इस प्रकार बम्बल भी की जान बच जाती है। इसके बाद हम कर्नल को देखते हैं जो अब समझ चुका था कि बम्बल भी उनके लिए कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो चार्ली से कहता है कि इससे पहले कि उसकी बाकी की फौज यहाँ पर आए वो बम्बल भी को लेकर यहाँ से निकल जाए। और इसके बाद चार्ली बम्बल भी को वहाँ से लेकर निकल जाती है। इसके बाद हम चार्ली और बम्बल भी को एक पुल के पास देखते हैं। यहाँ पर बम्बल भी ना चाहते हुए भी चार्ली से अलविदा लेकर वहाँ से निकल जाता है। चार्ली भी अपनी फैमिली के पास वापस आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।